हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, आज हम एक राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग जो एक लोगों में मिथ है कि मेरे पास ये इंश्योरेंस कार्ड है और मेरे को इससे राइनोप्लास्टी करानी है। दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ की जानकारी दोस्तों आपको मिलती रहे। समय समय पे आप जो है वो नई जानकारियों से जो है वो अवगत आप होते रहेंगे। दोस्तों, जब पेशेंट OPD में आता है और उसको ये है कि मेरे पास एक बहुत अच्छी मेडिक्लेम्स कंपनी का कार्ड है, इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड है, क्या मेरी राइनोप्लास्टी इस मेडिक्लेम में कवर हो जाएगी? दोस्तों, इंटरनेशनली जितने भी मेडिक्लेम्स कंपनी हैं वो अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो राइनोप्लास्टी सर्जरी को कवर करता है। दोस्तों, बहुत सारी सर्जरीज हैं, जैसे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, फेस लिफ्ट है, यानी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं वो मेडिक्लेम्स पॉलिसी में कवर नहीं होती। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसमें क्या हो सकता है कि जो पेशेंट और जो डॉक्टर की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर किसी विकृति के कारण, यानी नोज की विकृति के कारण, अगर आपका नोज ब्लॉकेज है, आपको ब्रीदिंग नहीं होता, क्योंकि गोट ने जो अपना नोज बनाया है उसके दो काम हैं, पहले जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग टू अवर बॉडी एंड सेकंड जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी टू अवर फेस। सो ब्यूटी वाला पार्ट नहीं कवर होता, आपका जो फंक्शनली ब्लॉकेज वाला पार्ट है वो उसमें कवर होता है। तो जो पेशेंट की एक सीटी स्कैन करा के ये देख लिया जाता है कि उसका जो नोज ब्लॉकेज है, जो हड्डी अंदर की टेढ़ी है, उसका जो DNS है, उसके जो टर्बिनेट की जो हाइपरट्रॉफी है, या उसमें नोज में जो पॉलिप्स हैं, या उसको जो है वो मेडिक्लेम्स कंपनी कवर करती है, उसको आप जो है वो मेडिक्लेम से कवर कर सकते हैं। सपोज़ अगर किसी चीज़ को 100% अगर अपन बात करते हैं तो 60% सपोज़ आपका जो है वो फंक्शनल एस्पेक्ट उस मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर हो गया, तो रेस्ट ऑफ द 40% जो है वो पेशेंट जो है वो पे करता है उसके कॉस्मेटिक फंक्शन को करेक्शन कराने के लिए। बट ये कब पॉसिबल हो पाता है? ये इंडिविजुअल, इसमें मेडिक्लेम्स पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं है, ये अपना जो डॉक्टर और पेशेंट का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सा होता है। सो दोस्तों, ये एक उपयोगी जानकारी है। बहुत बार लोगों को ये होता है कि ये जो मेडिक्लेम्स जो पॉलिसी है उससे मेरा कंप्लीट राइनोप्लास्टी हो जाएगा या मेरा बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए आपका जो कार्ड है, जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो अपने डॉक्टर से जो है अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, उसके सारे पहलुओं के बारे में डिस्कस करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जितना आपको एडवांटेज उससे होता है, डेफिनेटली आपको उससे एडवांटेज लेना चाहिए। सो आई होप दोस्तों, दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिक्लेम पॉलिसी used for rhinoplasty is useful for you, and you can share this information to your family, your friends and your colleague just to create awareness about the rhinoplasty surgery. And next फिर मिलेंगे, बट जाते जाते इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिनमें आने वाले अनेक उपयोगी नए वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।